अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ टू यू के साथ मैं हूँ जाहिदा राव और आप देख रहे हैं सियासी खिचड़ी। सियासी खिचड़ी में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे पर और ख़ास तौर पर चौधरी शुजात की जो सियासत है और चौधरी की जो सियासत है वो पहले तो बहुत घूम रही थी और उन्होंने जो है हुकूमत को बड़े चक्कर लगाए थे। कभी अपोजिशन का लगवाते थे कि हम उसके साथ जा रहे हैं, जिसके साथ जाते थे लगता था चौधरी पलड़ा भारी कर देते थे और कभी उनको लगता था कि अपोजिशन में चले जाएंगे, लेकिन आखिर तक ये गेम चलती रही और आखिरकार तहरीक आदम एतमाद कामयाब होगी और फिर जंग आ गई वज़ीर आला पंजाब की। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सियासत साहब, उनसे पूछते हैं कि चौधरी साहब क्या हुआ, आप लोगों ने तो पहले बड़े किरदार अदा किए हैं। सर शुक्रिया पहले तो बहुत बहुत आपने बड़े दिनों बाद टाइम दिया। मेहरबानी, बड़ी खुशी हुई है कि आप भी आई हैं, तो बहुत मेहरबानी जी, मेहरबानी। तो आप खुश हैं तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो गई है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए? नहीं, इस वजह से तो हम खुश हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने से मेरा बेटा भी चौधरी साहब वज़ीर बन गया है। अच्छा, और दूसरी बात इस वजह से मैं खुश हूँ कि चौधरी साहब उम्र में भी चला गया है। अच्छा अच्छा। और तीसरी बात मैं इस वजह से खुश हूँ कि उधर जो नारेबाजी हुई है शुक्र है चौधरी साहब के खिलाफ नहीं हुई, किसी और के खिलाफ ही हुई है। अच्छा, ये चौधरी साहब ये बताइए, बड़ी मजे की बात है, आप अपोजिशन में बैठ गए हैं और बेटा आपका हुकूमत में चला गया, क्या है? नहीं, वो बेटा नहीं, वो भाई चला गया जी। भाई चला गया, क्यों गया वो? बेटा वो भाई कहा था जी, मैंने वज़ीर आला बना, मैंने से कहा था, मैं कहा परवेज है जिन्नी के लब दी ना इन्नी खाला है। मैंने नहीं बाप, मैं भाजी मैं खीर दी सारी देगी खानी है। अच्छा, खीर दी सारी, मैं कहा सारी नहीं लगनी इतने, मैं कहा 11 जमातें ने उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई है, जो असं अपने हिस्सा लगे तो बने हुए हैं। वो सर चौधरी परवेज जिलानी का बाजू भी टूटा था, वो ठीक है, वैसे एक्टिंग बड़ी अच्छी की थी उन्होंने। मैं भी परेशान हो गया था एक्टिंग से, क्या बाजू से? नहीं, बाजू से नहीं, मैं समझी एक्टिंग से ज्यादा परेशान होना चाहिए। मैं ये जब मैंने टीवी पे देखा तो मैं घर में ही था। अच्छा, तो मैं जब पता चाहिए परवेज जिलानी पट्टी बांधी हुई है, बाजू ऐसे किया हुआ है। मैं गया बजाज नू, मैं बजाज तो गड्डी काटे लगता सच्ची मुझे तो नहीं बहुत लड़ा बैठा है। मैं निशान जो लगा लाल लाल वो उसने वो लगा रही थी ना पायोडीन। अच्छा, सुने तो सही। तो वो मैं और बजाज गाड़ी लेकर गए हैं पंजाब सवरी बजे, तो हमने देखा, मैं क्या भेजा की हो गई बहुत लड़ा रही है, कहते भाजी नहीं बाप वो गोली चलाई सिर्फ को डराने के लिए। फिर मैंने मैं अच्छा अगर नहीं चलाई तो दो मरी आ जाने घर। अच्छा, उन्हें फिर दो बरी उन्होंने कहा भाजी दो बरी की मैं तीन बरी कर देना है इंजन की थी ना। मैं क्या कि ले आई है, उन्होंने कहा भाजी पायोडीन है, मैं क्या मैं तो समझा तू फोन कट बैठा है। अच्छा, बाजू भी तड़वा लिया लेकिन अभी तक परवेज लाई ना, हाल, ना हलफ लेने दे रहे हैं हमजा शहबाज को, ना इजलास बुला रहे हैं कि ड्रामा लगाया हुआ। मैंने बोला था, मैंने कहा देखें परवेज ये हमने कर यार स्पीकर है वज़ीर आला दोनों बन रहे हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गया है तो उसको आप हलफ लेने दें। कहता ना भाजी, असल में मसला ये है दादा कि वो क्या नाम है इसका मुंडे का, वो बड़ा अखड़ा है, मोनस है। अच्छा, मोनस सिलाई, मोनस सिलाई, वो बड़ा अखड़ा है, वो नहीं बात में वो कह रहा तब्दीली के साथ जाना है मैंने। हाँ, और मैंने कहा तब्दीली का मतलब 3.5 साल से लाके बैठ रहे हैं। अच्छा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इस वजह से तुझे साढ़े नाराज है। साल साल हुकूमत शुभाष नहीं थी, तो मैं कहा तू आजा साढ़े नाल परवेज में वज़ीर आला बना लेंगा। कहना नहीं जी, मैं वज़ीर आला अपने प्यो ने उधरों ही बनाना है। वो कहते ना वही हिसाब है, दो बीघा कुत्ता घर घर का है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा बाप को। तो नहीं, चलो मैं तो मेरे तो वजारत मिल गई मेरे पुत्र सालन को, वो सी पैक को थार्टी का जेल में भी बन गया। मोनस को क्या मिला? मोनस ही अपनी मोनस को मिलेगा ना जब खान की हुकूमत आएगी। अपनी वजारत भी गया, तो प्यो दी वजारत आला भी लेके चला गया। अच्छा अच्छा, तो चौधरी साहब ये सियासत आप लोगों की तकसीम होगी, क्या खानदान पर कोई असर पड़ेगा? आप लोगों का खानदान भी तकसीम हो जाएगा फिर? कोई यही कर रहे हैं ना ही हो, लेकिन परवेज मानता नहीं। मैं भी फिर थोड़ा जा गुस्सा किया है। अच्छा, मैं कहा परवेज आ तेरी थाली दे आ मेरी थाली, मैं कहा भाई तेरी थाली से बोटिया ज्यादा है। मैं कहा ले बोटी दूध ला थाली आ दी फिर रख। कहते भाजी नहीं, थोड़ी थाली से बोटी घट गई है। मैं कोई गल नहीं, घट भी गई है, तू आप थाली मेरे वाले नहीं लेनी,
फिर कहते भाज शरबत का गिलास है तो लाल है मेरा चिट्टा है। मैं क्या तू लाल भी तू ले रहा है। कहना भाजी ना मान लो तुम बगे बगे बतीत हो गए जे। मैं बतीत की तू जलील गया था इमरान खान के पीछे ला गया। इमरान खान के पीछे मैं नवाशी ने पता किया है तेन में चंगा भला वजीरेला बना रहा है। तो तुम वजीरेला नहीं बने तो वो नून लीग वाले आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना। नहीं नहीं उन्होंने मुझे नून लीग का मजाक नहीं उड़ा रहे। वो कहते हैं जी जो साहब वो कहते हैं हम घर में गए थे बाजार देने। जी बिल्कुल गए थे। मैं रोटी छोटी भी पूछी उनसे। अच्छा दुआ घर में की थी। इफ्तारी भी कराई थी। दो रसगुल्ले खवाए मैं उन्होंने अपना साद रफीक नु दो मैं बर्फी दी डलिया उन्होंने खवाइया याद सादिक नु फिर दुआ भी की थी। वो भेजा पता नहीं की हो गया। मैं प्रवेद एक ही किया जो मिठाई नहीं खुआनी तो मिठाई खुआगे तेरा राधा बदल गया। उन्होंने भाजी बस मिठाई भी कोई बद सलूनी सी। आप लोगों का गंभीर हो गया सियासत में आपका खानदान तकसीम हो गया तो क्या ईद इकट्ठे मनाएंगे या इसी तरह कोई पीटीआई के साथ मनाएगा कोई नून लीग के साथ मनाएगा। नहीं मनाए तो मेरे अपने अपने तो मना ही लेंगे। वैसे मेरी अब सेहत जो जितनी है मैं तो आपको पता है कि ये तो कुर्सी कुर्सी से बह के मनानी है। जो प्रवेद आ गया तो ठीक है असल गल हुई है दादा वो मुंडा नहीं जरा दूसरा उन्हें मेरा काम खराब किया है। अपने मुंडे ने है नहीं उन्हें जरा ना उन्हें बड़ा जरा सारे सारे पूरे खानदान तकसीम करते हैं। द्वार बना दी है अपना लाहौर घर नहीं साढ़े लाहौर ने उन्होंने दीवार बना दी है और खाना भी लैदा हो गया है। अच्छा उदे भी लैदा हो गए और की आते हैं अपना एस्टैबलिशमेंट आए वो भी आते हैं। तो चाहिए सब तुम साढ़े ना भी मैं मैं थोड़े ना ही है काफिले तो हमेशा एस्टैबलिशमेंट के साथ थी। अब प्रवेश भाई इमरान खान के साथ जाकर अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है। चले आप तो ईद जैसी बनाएंगे हमारे चाहने वालों को चैनल देखने वालों को ईद मुबारक कह दें। ईद का मैसेज देना चाहेंगे। ईद का मैसेज यही है सेम सेम मीठा घट पाना। अच्छा मैं तो शुगर हो जाती है। अच्छा। बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी ख्याल रखना। अच्छा। कुड़ी का भी ख्याल रखना। अगर एक अद्धी को फिनियां शिनियां बनाओ तो इन्हें भी भेज देना। अच्छा। वैसे भी अजू कोई पता नहीं वो चिट्टे जे कड़े पा के आ गए हैं जो इंजन करने हैं। मैं गया साढ़े मास दुआ करना गल करो करो साढ़े से। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जिन आदमी चौधरी सियासत की आपने गुफ्तगू सुनी ईद का मैसेज भी सुन लिया कि सोइयाँ बनाए तो चीनी कम रखेगा क्योंकि उनकी अपनी उम्र ऐसी है तो शायद उन्होंने समझा सब कुछ शुगर है। तो बाकी आप अपनी मर्जी की सोइयाँ पकाएं चौधरी साहब की बातों पर आ जाएँ। चीनी तेज़ रखें चीनी हल्की रखें आपकी मर्ज़ी है। और हमें दुआ में याद रखेगा चौधरी साहब को भी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह इनको सेहत दे और जो सियासत की खिचड़ी पक रही है तो वो कहीं ना कहीं हल हो जाए। जो इनको लग रहा है कि हमने जो नुकसान कर लिया अपोजिशन हुकूमत में जाके खान के साथ तो वो नुकसान कहीं पूरा हो जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेगा। हमें याद दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। जो भी है जी जी अब मेरे खिचड़ी लिया सो भी रोजा नहीं मैं तो खिचड़ी खावा रोजे तो बाद करना। अच्छा।